फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर राजेश विश्वकर्मा आज सीखने जा रहे हैं ऑनलाइन। यदि हम 10th पास या 12th पास करके जब हम डिप्लोमा में आते हैं तो हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे एक वेरिएबल्स हो, चाहे दो वेरिएबल्स हो, चाहे तीन वेरिएबल्स हो, कम से 15 से 20 मिनट लग जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम एक ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे कैसे करेंगे सॉल्व आप देखेंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर लिख देंगे फोटो मैथ। जैसे ही फोटो मैथ लिखेंगे तो लाल कलर का एक सिंबल आपको दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड के लिए तैयार है। जैसे ही ओपन करेंगे तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो ऐप है पहले से डाउनलोड है, इस वजह से ये आप देख रहे हैं कि स्कैनर यहाँ पर चालू हो गया। इस स्कैनर को हम क्या करें, जो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है उस इक्वेशन पर हम इसको ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पर है, इस इक्वेशन पर हम ले गए। जैसे इसने सॉल्व किया तो आप देखेंगे ये इस तरह का सॉल्व करेगा। ये जी सॉल्व हो गया। अब इसकी मेथडोलॉजी यदि हमको चेक करना है तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आंसर दिखा दिया इसने 2/5। अब इसकी मेथडोलॉजी चेक करने कैसे आया 2/5, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेथडोलॉजी दिखा देगा 2/5 आया। अब नेक्स्ट जो यदि 2 वेरिएबल्स हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे इसको पहले हम पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आप देखेंगे स्कैनर को फिर से चालू करेंगे तो स्कैनर हमारा चालू हो गया। अब हम स्कैनर को 2 वेरिएबल्स के ऊपर लाएंगे। जैसे 2 वेरिएबल के ऊपर लाएंगे तो देखो ये डिटेक्ट करना चालू कर देगा, ये डिटेक्ट होना चालू हो गया और इस तरह ये बता देगा कि कौन से इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि सॉल्व करेगा तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख पाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये आंसर आपको दिख गया। अब इसकी मेथोलॉजी चेक करना है तो मेथोलॉजी आप चेक कर सकते हैं, ये मेथोलॉजी। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में जब दो 3 वेरिएबल हैं, हम उसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे हम पहले कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करके उस पर हम स्कैनर को ले जाएंगे। स्कैनर को तीनों इक्वेशन पर हम लाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया। तो जब हम देखेंगे इसकी आंसर क्या आया तो जो कैलकुलेटर टाइप का बटन उसे देख लेंगे, इसको एग्जैक्ट वैल्यू ये आ गई। यदि मेथोडोलॉजी चेक करना चाहते हैं तो आप देखेंगे मेथोडोलॉजी इस तरफ से चेक हो जाएगी। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि ऐप बहुत काम का है। और इस ऐप को फिर से पुनः देखें कि किस टाइप से इसको सर्च करना है, कैसे करना है। आप देख रहे हैं कि फोटो मैथ्स नाम का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसको आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं और जिस तरह मैंने मेथड बताई है उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखें ये है फोटो मैथ, यदि हम इसको खोलेंगे तो आसानी से खोल जा सकता है। इसके अन्य फीचर ये हैं कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में रिप्ले इंट्रोडक्ट कर दोगे तो रिप्ले इंट्रोडक्ट से भी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे चेक करते हैं। और आपका ये ज़रूर नहीं कि टाइपिंग वाला ये लेटर ही हो, हैंड रिटन भी होगा तो वो उसको एक्सेस करके उसका आंसर दे देगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, विदिन 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। थैंक यू मित्रों, और इसको ज़रूर अपने पढ़ाई में इनकल्केट करें।